गुड मॉर्निंग गाइस एंड नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं और फिलहाल मैं हूं प्रयागराज छावनी जंक्शन में हूं और यहां से जो मेरी जर्नी होने वाली आज हम लोग जाने वाले हैं प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। चलिए मैं स्टेशन का नज़ारा दिखाता हूँ और यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगी इलाहाबाद जाने के लिए और यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। 50 रुपीज़ करके लेते हैं भैया जी और मेरी ऑटो चलने वाली है। भाई लोग काफ़ी ठंडी है आपका इलाहाबाद में। ऑटो ने मुझे छोड़ चुके हैं आपका बस स्टैंड में और यहाँ से मुझे जाना है इलाहाबाद जंक्शन जाना है, साथ ही संगम में जाना है। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। सुबह के 7 बज रही है और मैं चाय भी पी चुका हूँ। अब निकल चुके हैं हम संगम घाट की ओर। काफ़ी ठंडी है फ्रेंड्स। संगम काफ़ी ठंड। फाइनली दोस्तों आ चुके हैं संगम घाट और ऑटो वाले भी यहाँ पे छोड़ दिए। यहाँ से पैदल जा रहे हैं, पास में ही है। सारा काफ़ी कुहासा है, कुहासा नज़र आ रहा है और यहाँ पे कुंभ के मेले काफ़ी फेमस है और ये जनवरी माह में यहाँ पे कुंभ के मेले लगती है और इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदी का संगम हुआ है। बहुत समय लग जाएगा आपको, पिंडदान ग्रहण करेंगे तब जाएंगे। में कितना है गुरु में 400 करके लेते हैं आप लोग ऐसा ही? मैं आपको छोटे बोलता हूँ। और फाइनल गाइस मैं नाव में बैठ चुका हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी संगम जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है यानी कि नदी का। चलिए आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। सब ले जा रहे हैं हमारे और यहाँ का जो रेट है 600 रुपीज़ ना भाई साहब ना लास्ट, मतलब 600 है। और ग्रुप में अगर जाओगे तो यहाँ भीड़ कब होती भाई ज़्यादा? जनवरी में। ओके, कौन सा कुंभ मेला बोलते हैं ना उस समय। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जमुना नदी, आप देख सकते हैं ये जमुना नदी है और यहाँ पे संगम हुआ है गंगा जमुना सरस्वती ना। दिखता है तीसरा गुप्त और दोनों दिखता है तीसरा गुप्त है। बताइए क्या बता रहे हैं? ये जमुना जी हैं। ये जमुना जी हैं, ये आपका पीछे साइड से आता है दिल्ली मथुरा आगरा वृंदावन। हाँ हाँ, ये श्याम कलर यमुना वाले। ओके, ये गंगा जी आता है उत्तर साइड से। उत्तर साइड से ना, ये आपका यमुनोत्री से आता है ऋषिकेश हरिद्वार कानपुर। इसलिए यहाँ सरस्वती लुप्त है, वो नहीं दिखता है। दिखता ही नहीं है, नाम तीन चलता है, दिखता दो है। हाँ दिखता दो है, ये सारे इसी में लगता है कुंभ मेला। यहाँ 12 साल कुंभ होता है, 6 साल अर्ध कुंभ होता है। ओके, हाँसे की वजह से दिख नहीं रहा है ना। मंदिर का बीच में मां मेला लगता है। ए पिंटू थोड़ा तो लगिए टाइम का।
और फाइनली गाइस मेरा पूजा पाठ हो चुका है और यहाँ पे पंडा ने 200 रुपीज़ प्लस में एक्स्ट्रा चार्ज भी देखना होगा अपने अनुसार आप दे सकते हैं। और यहाँ से हम निकल चुके हैं अब रेलवे स्टेशन की ओर।